एक दुकानदार ने अगरबत्तियों की दुकान खोली और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय के बाद में एक सज्जन आया, उन्होंने कहा, भाई साहब सुगंधित ही होती हैं अगरबत्तियां, दुर्गंधित नहीं होती, बदबू नहीं मारती। सुगंधित का क्या मतलब है, हटवाइए इसको। भोला वाला दुकानदार था, उसने सुगंधित शब्द हटवा दिया। कुछ समय के बाद में दूसरे सज्जन आया, उन्होंने कहा, साहब आपने लिखवाया हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, आपकी दुकान है, आपके यहीं मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, हमारे यहाँ का क्या मतलब है। भोले वाले दुकानदार ने दो शब्द और हटवा दिए, हमारे यहाँ, अब बोर्ड पर लिखा हुआ था अगरबत्तियां मिलती हैं। तीसरे सज्जन आए कुछ दिनों के बाद, उन्होंने कहा, साहब मिलती का क्या मतलब है, मिलेंगी से जब दुकान खोल के बैठे हो, मिलती हैं भी हटवा दिया। एक और सज्जन आया, उन्होंने कहा, साहब अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी, मोमबत्ती थोड़ी ना मिलेगी, तो इन्होंने अगरबत्तियां भी हटवा दिया और बोर्ड उतार के अपने पास रख लिया। इनका धंधा धीरे धीरे मंदा होने लगा। इनका एक दोस्त आया पुराना, उसने कहा, भाई क्या हो गया, तो इनका धंधा जो चौपट हो गया, कुछ चल नहीं रहा। वो बाहर गया एरिया, उसने देखा दोस्त ने, और वापस आया दौड़ के और कहने लगा, तुम मूर्ख हो, तुमने इतनी बड़ी दुकान खोल ली, बाहर एक बोर्ड नहीं लगवा सकते जिस पर लिखवा दो कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकानदार का माथा ठनक गया, उसने कहा, ये तो लगवा रखा था, दुनिया की राय लेते रहेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए सबकी राय लेना बंद कीजिए, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपने फैसले लेना शुरू कीजिए।